गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ्स एनसीईआरटी। वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब का हर फेस हमारा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब की जो लेंथ होती है ए, और इसकी ब्रिथ भी ए और इसकी हाइट भी ए, यानी लेंथ ब्रिथ हाइट इसकी तीनों ही क्या होती हैं? सेम होती हैं। और इसका हर फेस स्क्वायर की फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं हम क्यूब। अब इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालें, एक तो एक होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है टॉप और बॉटम का छोड़ करके जो चार फेसेस बचते हैं लेफ्ट के राइट, तो एक ये एक ये एक ये एक फ्रंट का। जैसे अपना रूम देख लीजिएगा, उसका सीलिंग और फर्श छोड़ करके फोर वॉल्स का एरिया जो होता है उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो इधर फोर फेस का एरिया क्या होगा? फोर ए स्क्वायर, यानी इसका सिर्फ टॉप बॉटम छोड़ दिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, अब इसका इसका टॉप का ए स्क्वायर और बॉटम का ए स्क्वायर, यानी टू ए स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? सिक्स ए स्क्वायर। या इसमें फेसेस कितने होते हैं? सिक्स होते हैं ना, और एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो सिक्स फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? सिक्स ए स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ऐसे इसका वॉल्यूम होता है ए इंटू ए इंटू ए, क्या हो जाएगा? ए क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड में भी यही होता है, बस इसकी लेंथ ब्रिथ हाइट डिफरेंट होती हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट इसका हमारा सी एस ए होता है, कर्व्ड सॉरी लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा। इसको लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोल सकते हैं, फर्श और सीलिंग को छोड़ करके हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टू एल प्लस वी इंटू एच प्लस सॉरी यही होता है। देखो या फिर ऐसा करते हैं, इसका जो फर्श का निकालते हैं पेरीमीटर और उसका हाइट में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ये हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर में अगर हाइट का इंटू करेंगे तो निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे अगर हम इस फर्श का निकालेंगे एरिया तो एल इंटू भी हो जाएगा और सीलिंग का भी यही होगा, यानी कि एल वी आपका फर्श और सीलिंग का क्या हो जाएगा? टू एल वी। इसी तरह हमारा इसका हो जाएगा बी और एच, बी एच इधर भी और बी एच इधर भी, तो टू बी एच हो जाएगा ना प्लस। इसी तरह आपका ये एल और ये एच इस वाले पार्ट का एरिया, ठीक है ना, ये आपका हो जाए एल एच, और ये पीछे जो दिया है पार्ट इसका भी एल एच हो जाएगा, यानी टू एल एच। अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो इसका टी एस हमारा बन जाएगा टू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा सिलेंडर। सिलेंडर ये होती हाइट, ये होती हमारी रेडियस। इसका बेस जो होता है वो आपका सर्कुलर होता है। सिलेंडर अब इसका सी एस ए क्या होगा? देखो इसका टॉप और बॉटम को छोड़ करके इसका जो ये मार्कर है ना,
इसका इधर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सी एस ए। अगर बेस का एरिया और टॉप का एरिया इसका, इन दोनों का भी ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा टी एस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एस ए, यानी कि सी एस ए हो जाएगा। जो सी एस ए क्या करते हैं, इसके सरकमफ्रेंस में हम हाइट का इंटू करेंगे तो हमारा निकलता सी एस ए, यानी टू पाई आर इंटू एच, ये निकला है सी एस ए। अब टी एस ए में क्या करेंगे, टू पाई आर एच प्लस, ये पाई आर स्क्वायर होता है ना, और ऊपर ही पाई आर स्क्वायर, तो टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, टू पाई आर, इधर बचेगा हमारा एच प्लस आर, ये निकला है हमारा टी एस ए। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर हम इसके एरिया में हाइट का इंटू कर दें, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर एरिया में हाइट का इंटू करेंगे तो वॉल्यूम निकलता है, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर। नेक्स्ट, कोण। देखिए ये कोण की होती है रेडियस और ये होती हाइट, ये होती एल स्लेंट हाइट, ये होती स्लेंट हाइट और ये परपेंडिकुलर हाइट और ये रेडियस। इसका सी एस ए होता हमारा पाई आर एल, लेकिन एल का भी तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एल हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये आर है ये एच है तो एल का फॉर्मूला होता हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बिल्कुल पाइथागोरस की थ्योरम की तरह है। अब टी एस ए इसका क्या होगा, टी एस ए, टी एस ए में हमारा ये पाई आर एल और इसका जो बेस है वो आपका इस तरह होगा, यानी पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ रहा है पाई आर, तो ये बन गया एल प्लस आर। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नोट कर लीजिए। अब आ जाओ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर।